भजन तो सुना होगा, बहुत दिन हो गए, मैंने गाया नहीं, गाऊंगा तो आज भी नहीं, पंक्ति सुना रहा हूं। प्रेम जो अनंत हो गया, रोम रोम संत हो संत तो महंत हो गया। दोनों हाथ उठाइए, ताली नहीं, सिर्फ दोनों हाथ उठाइए, ऊंचे करिए, एवरीवन प्लीज। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, सिंपल वर्ड। इफ आई से आई लव यू, इट मीन्स क्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये कंफर्म है ना? सड़क छाप भी बहुत बोल जाते हैं आई लव यू, इसका मीनिंग ये नहीं कि आई लव यू। तो क्या है प्रेम की पराकाष्ठा? ये है, लव यू बोलने से लव यू नहीं होता। तो कागा सवतन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो, मेरे कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मास, पर दो नैना मत खाइयो, मोहि पिया मिलन की आस, पिया मिलन की प्रेम किया है। मैं ये नहीं पूछूंगा किससे किया है, सिर्फ इतना बताओ किस किस ने प्रेम किया है? जिस जिसने प्रेम किया हाथ उठाओ, दुनिया से या श्याम से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस किस ने प्रेम किया है? एक बात बताऊं, जिसने प्रेम किया है और वो रोया ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। प्रेमी को दो काम जरूर करना पड़ता है, एक तो रोना पड़ता है और फिर उसको कवि बनना पड़ता है। गाने अपने आप बनते हैं, उसके बनाने नहीं पड़ते, उसकी कविता अपने आप शुरू हो जाती है। मुझे छोड़ कहां गए श्याम, मुझे छोड़ कहां गए श्याम, कहाँ गए श्याम, तुम्हारी याद सताती, ओए छोड़ कहाँ गए श्याम, छोड़ कहाँ गए श्याम, तुम्हारी याद सताती। मैं सो जानती प्रीत किए
की प्यास कभी बुझती नहीं है, चाहे सारी रात कृष्ण की चर्चा क्यों ना। एक बात बताएं, जिसका प्रेम कथा सुनने से पेट भर जाए, इच्छा हृदय भर जाए, समझना वो सच्चा श्रोता है ही नहीं। पिपासा जितनी सुनो और बढ़े। तो प्रेम कन्हैया से, तो कन्हैया को बांध दिया। कलयुग के भक्त कन्हैया को बहुत प्रिय लगते हैं। मैया ने बांधा प्रेम की डोर से। किसकी डोर से? संबंधों की डोर नहीं है, संपत्ति की डोर नहीं है, पद प्रतिष्ठा की डोर नहीं है। कृष्ण बंधे हैं तो किससे? प्रेम की। कौन कौन चाहता है कि कन्हैया को हम भी अपने प्रेम की डोर से बांधे? भगवान करे आप सबके प्रेम की डोर में कन्हैया बंध जाए। आइए हम गिरिराज भगवान के दर्शन करेंगे। कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया था। नल कुंवर मणिग्रीव का यहाँ उद्धार मेरे ठाकुर जी ने किया, उनका बेड़ा पार किया है, उनका उद्धार किया है। अब हम और आप सभी गिरिराज भगवान की छवि का दर्शन करेंगे। एक बार पुनः कह दूं, अब यहाँ से आगे 10 मिनट कोई खड़ा ना हो, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हमें गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। जो लोग यहाँ बैठ कर गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा करेंगे, उन्हें गोवर्धन की प्रत्यक्ष परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, सर ढकना पड़ेगा। जहाँ हैं वहीं सर ढक लें और विराज जाएं। 10 मिनट में ही आपको गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। एक और बात बता दूं, कल ठाकुर जी का विवाह है। कल की कथाक्रम में रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी विवाह है। तो हमारे ब्रज में कहते हैं, जो भी जीव भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं, उनके घर का अमंगल समाप्त हो जाता है, उनके घरों में नित्य मंगल होता है। तो कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर का मंगल समाप्त हो जाए, अमंगल समाप्त हो जाए और मंगल प्रविष्ट हो जाए? कौन कौन चाहता है? सबके घर में मंगल ही मंगल हो। बोले कि राज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। तो आइए कल भगवान के विवाह में थोड़ा बन ठन के आइएगा। जैसे दुनिया की शादी में जाते हैं, वैसे विवाह में कन्हैया के में तैयार होके आना। दुनिया को पता लगना चाहिए, जब भी कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले कन्हैया के विवाह में। बोले कन्हैया का भी विवाह होता है? बोले चल के देख ले। तो जिनको भी आप चाहते हैं उनका मंगल हो, उनको भी लेके आइएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या में, दो ही दिन और है, कल और, सिर्फ दो दिन कथा है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में, पीछे जो खड़े हैं बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सर ढक लें, आपको भी गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा का लाभ मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, गिरिराज धरण की जय। आइए हम सभी गिरिराज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और गिरिराज भगवान जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यदि पूजा अर्चना की तो वो केवल गिरिराज भगवान की। ब्रजवासी यदि भगवान मानते हैं तो गिरिराज भगवान को मानते हैं। और आज भी गिरिराज की तरेटी में जिस प्रकार परिक्रमा के लिए लोग उमड़ते हैं और जिस प्रकार वहाँ बड़ी तादाद में परिक्रमा देते हैं और अपने मनोरथ पूरे करते हैं, उन्हीं गिरिराज के दर्शन हम कथा प्रसंग में कर रहे हैं। तो अभी आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूजा अर्चना करने के बाद ही परिक्रमा दी है, पूजा अर्चना के बाद भोग लगाया, भोग के बाद में परिक्रमा दी, उसी प्रकार हम भी पहले भगवान की पूजा अर्चना करें, पहले गिरिराज भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद में परिक्रमा का लाभ, मानसिक परिक्रमा का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, पहले संकीर्तन करेंगे, पहले
गिरिराज भगवान की स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद में हम सभी परिक्रमा की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, आपके बीच में कार्यकर्ता रहें, जिनको भी गिरिराज भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन नौछावर जो भी अर्पित करना है, वो उसी स्तुति के दौरान, जो गिरिराज की स्तुति होगी उसी दौरान आप सभी अपनी सेवा करेंगे। क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ से गिरिराज जी जाना, फिर वहाँ से आना, तो कितना समय और कितना सब कुछ लगता है। लेकिन यहाँ गिरिराज जी का दर्शन हम सभी कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से आप सभी भगवान की पूजा अर्चना करें और उनकी परिक्रमा का भी लाभ आप प्राप्त करेंगे। कार्यकर्ता आपके बीच में, जिनको जो भी सेवा अर्पित करनी है वो इन कार्यकर्ताओं को देंगे और उसके बाद में हम सभी गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। जो भी इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे पुनः निवेदन कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आप सभी इस समय लाइव प्रसारण पूरे विश्व में इस समय देख रहे हैं, जो भी सभी दर्शनार्थी, चलते हैं पूजा। आइए सब मिलकर नाम धन कमाएंगे। आप ये सेवा जरूर कर रहे हैं, पूजन जरूर कर रहे हैं, लेकिन नाम जपना न भूलें, क्योंकि कलयुग में नाम की प्रधानता है। इतने हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम लोग सब नाम जपेंगे तो बहुत नाम हमारे पास जमा हो जाएंगे। तो प्रेम से मेरे साथ मिलकर नाम जपिए। गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज शरण में तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आए जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। गिरधारी मनमोहन की जय जय,
जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। सभी विराज जाएं, सर ढक ले, और जैसा जैसा मैं यहां से बोलूं वैसा वैसा आप अपने मन का भाव बनाते रहें। इससे आपको यहां बैठे बैठे गोवर्धन सात कोस की परिक्रमा का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे मेरा आग्रह, दोनों हाथ जोड़ लें और सर ढक लेंगे। बोलिए गिराज भगवान की जय, मानसी गंगा की जय, चकलेश्वर महादेव की जय, मुखारविंद की जय, गोविंद कुंड की जय, राधा कुंड की जय, कृष्ण कुंड की जय, कुसुम सरोवर की जय। हम और आप सभी नंगे पांव गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं, और आप और हम सब दान घाटी पे पहुंचे, भगवान गिरिराज के दर्शन किए और वहां से प्रणाम करके परिक्रमा में मंत्र जपे, कोई व्यर्थ की बात न करें। सांसारिक वार्तालाप परिक्रमा में नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये मंत्र जपते हुए दान घाटी से गोविंद कुंड होते हुए जतिपुरा होते हुए मुखारविंद का दर्शन करते हुए गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन से उद्धव कुंड ध्रुव कुंड और उद्धव कुंड राधा कुंड कृष्ण कुंड। राधा कुंड सर्वेश्वरी श्री राधा ने अपने हाथ के कंगन से बनाया है, कृष्ण कुंड कन्हैया ने अपनी मुरली से बनाया है। दोनों ही कुंडों में सभी तीर्थों का जल है, तो दोनों ही कुंडों में हम और आप सभी स्नान कर रहे हैं। स्नान किया और फिर चले कुसुम सरोवर होते हुए दान घाटी पहुंचे, परिक्रमा पूरी की, मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर दान घाटी पहुंचे, भगवान का दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। दुग्ध अभिषेक के बाद में भगवान को 56 भोग अरोग आ रहे हैं। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आप ही का है, आप पाइए। उसके बाद साधु संत ब्राह्मणों को जिमा कर भंडारा लगाकर महाप्रसादी, उनको द्रव्य दक्षिणा देकर हम महाप्रसादी लेकर गोवर्धन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गिरिराज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जब तक हमारा जीवन रहे तब तक आपके चरणों में हम आते रहें, परिक्रमा लगाते रहें और अपना जीवन सफल बनाते रहें, ऐसी कृपा आप करिए। इस तरीके से हमको और आपको श्री गोवर्धन भगवान की परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है, मानसिक परिक्रमा का। बोले गिरिराज भगवान की जय, एक बार जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे।